एवरीवन, मैं हूं चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और डीआईवाईज की। गाइस, आपको पता है अभी जो सीरीज चल रही है मोटी चोटी चैलेंज सीरीज चल रही है, एंड इस सीरीज के अंदर जो जो रेमेडी मैं आपको दे रही हूं, जो इस चैलेंज को कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा गाइडेंस की वीडियो है, एंड इसके साथ में आपको क्या खाना है उसकी वीडियो है, यानी कि हेयर ग्रोथ फूड बताने वाली हूँ मैं आपको। इस पूरी एक महीने का जो ये हमारा मोटी चोटी चैलेंज चल रहा है ना, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ आपको खाना क्या है, ठीक है, एंड थोड़ा सा गाइड करने वाली हूँ। बिकॉज अभी मैंने आपको तीन वीडियो दे दी है, जिसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट है जो हेयर पैक दिया था उसका एप्लीकेशन पार्ट भी आ गया है, वो भी आ गया है। जिसने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में मैंने मोटी चोटी चैलेंज के नाम से फोल्डर बना दिया है, एंड उसमें मैंने वीडियोस को डाल दी है, ठीक है। एंड एक वीडियो है जो कि मैंने सिरम की दी है, ओवरनाइट सिरम लगाना है उसको, ठीक है, वो तो मतलब दो आपको रेमेडी दे दी है मैंने आपको। अब इसके साथ में ही मैं आपको ये बताने वाली हूँ आपको खाना क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो दो रेमेडी दी है इसको वीक में दो दो बार यूज़ करना, दो बार ही पैक लगाना, दो बार ही सीरम लगाना, ठीक है। एंड इसके बाद में जैसे ही पैक आपको पता है कैसे लगाना होगा, सीरम कैसे लगाना है, मतलब कि एक वीक में आपको तीन से चार रेमेडी यूज़ कर लेनी है, ओके। तो अब बात करते हैं कि आपको इसके साथ में चीज़ें क्या खानी है। देखिए, आप लोग है ना, अपना पेट भरने के लिए लोग जंक फूड खाते हैं तो पेट भर जाता है ना, लेकिन जो जंक फूड होते हैं वो आपकी बॉडी को कुछ भी फ़ायदा नहीं करते हैं, बल्कि नुकसान करते हैं। तो आप ये मत सोचना कि आपने पिज़्ज़ा या बर्गर खा लिया है तो आपके हेयर की ग्रोथ हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि और ज़्यादा आपके बाल झड़ेंगे, बाल ख़राब होंगे। तो आप जंक फूड है, फास्ट फूड है वो नहीं खाएंगे, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स है वो नहीं पिएंगे, ओके, ये आपको चीज़ें नहीं लेनी है, बस इतना बोल रही हूँ मैं। अगर आपका बहुत मन करता है तो आप 15 दिन में या महीने में एक बार या दो बार, इससे ज़्यादा नहीं, ओके। अब बात कर लेते हैं कि अब हमें खाना क्या है। जी हाँ, घर में जो हमारा दाल रोटी बनती है वो सबसे बेस्ट है आपके बालों के लिए। दाल, आप सारी दालें खा सकते हो, बिकॉज दालों में भरपूर मात्रा में होता है विटामिंस, ठीक है, सारे विटामिंस मिल जाते हैं, तो आप दालें खाइए। एंड पूरी बी फैमिली होती है ना विटामिंस की, जो बी फैमिली, वो आपको हरी सब्जियों में मिल जाती है, B1, B2, B5, B12, B6, B7, है ना, ये सारी मिल जाती है। एंड जो बायोटीन होता है, जिसे हम विटामिन B7 बोलते हैं, तो जो बायोटीन होता है वो आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। बायोटीन, प्रोटीन, कैरेटीन, इन्हीं से आपके बाल है ना वो घने होते हैं, लंबे होते हैं, बाल तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें खानी है, ओके, बायोटीन की सारी चीज़ें आप लोग खाएंगे। ग्रीन वेजिटेबल खाइए, आप डार्क कलर के फ्रूट खाइए, डार्क कलर के फ्रूट एप्पल है ना, और जो है ये ऑरेंजेस है, ऑरेंजेस में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, ये खाइए। पाइनएप्पल खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, बेरीज जो भी होती है वो सारी ले सकते हैं आप, वो सब अच्छी होती है ना, तो बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये आप फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स के अंदर ऑलमंड्स खाइए, अखरोट खाइए, है ना, इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है, एंड ये विटामिन ई हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप बादाम, काजू इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बादाम, अखरोट, ठीक है, एंड पिस्ते जो होते हैं ना, पिस्ताशियो, ये ले सकते हैं। मूंगफली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो आप मूंगफली खाइए, उसमें बहुत प्रोटीन होता है। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो ये खाइए। तो इससे आपके बाल हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, घने होते हैं, तो इसलिए बालों का जो खाना है वो मेन, अगर तो इसलिए तो बालों का जो खाना है ना वो प्रोटीन ही है। तो प्रोटीन की चीज़ें आप जाइए ज़्यादा खाइए, एंड हेयर विटामिन्स जो हैं, जो मैंने आपको बोला B1 है ना, विटामिन सी बहुत अच्छा है, विटामिन ई जो है, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम है ना, आयरन, ये सारे मिनरल्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमारी पूरी बॉडी के लिए। तो ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड जो हमारी ये सीरीज़ है मोटी चोटी 30 डेज़ का चैलेंज, इसमें बहुत ही अमेजिंग रेमेडीज़ आने वाली है। बीच में मुझे गाइडेंस वीडियो आपको देनी पड़ेगी ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से उसे करें। अब आप इन्हें यूज़ कैसे करेंगे, हेयर सीरम रात में लगा लीजिए, ब्रेड बनाकर सो जाइए, मॉर्निंग में क्या करना है, हेयर पैक बनाइए, हेयर पैक को लगा लीजिए और फिर शैम्पू कर लीजिए, ये आपको करना है। तो वीक में एक बार आपने दोनों एप्लीकेशन हो गई आपकी,
एक मतलब दोनों एप्लीकेशन को आपने एक बार कर लिया, इस तरह से आप वीक में दो बार ये एप्लीकेशन करेंगे। जिस जिस दिन आपको शैम्पू करना है उसी दिन रात में आप सीरम लगाइए और मॉर्निंग में पैक लगाइए और फिर शैम्पू करिए, ठीक है। इसके साथ में अब मैं और इसकी रेमेडीज़ ला रही हूँ, तो उसको कैसे यूज़ करना है वो भी आपको बताती रहूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय गाइस। और हाँ, मेरा ब्लॉग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ बहुत ही अमेजिंग वेडिंग के सारे व्लॉग्स आने वाले हैं वन बाय वन, ओके। तो जल्दी से जाइए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से चिश ब्यूटी व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बाय गाइस।